अरे दादरी पे बोले ओवैसी, बाबरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, सीट वाले एनआरसी पे बोले ओवैसी, मजलूमों की और गरीबों की आवाज से गुजरा ओवैसी, पार्लियामेंट में बिल फाड़े ओवैसी, आपके हक के लिए लड़े ओवैसी, वो फिर क्या आपके वोट डाकदार ओवैसी है या नहीं है? इनकी झूठे वादों पे, झूठी बातों पे न जाओ। जब तक हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, हमारे पास कांग्रेस था, सपा थी, बीएसपी था, हम उनको वोट देते आ गए। वोट हमारा गया, इक्तदार पे वोट बैठ गया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास तो उससे ऑल्टरनेटिव नहीं। आज हमारे पास एक हफ्ती खुद की जमात है, अपनी खुद की पार्टी है, जिसका नाम है मजलिस ए त्याग उल मुस्लिमीन। दारी की लड़ाई, क्योंकि हम सवाल करते हैं कि जैसे यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलितों का नेता है, तो बताइए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, कि आपका कोई नेता है क्या उत्तर प्रदेश में? आप एक समाजवाद है, आजम खान साहब, आज उनको भी ऐसे कॉर्नर में डाल दिया कि उनका ता पता ठिकाना कहीं पर नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान 7% वाले को वोट देकर अगर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बना सकता है, तो क्या अपने अंदर से डिप्टी सीएम सीएम नहीं बना सकता क्या? 19% का बना सकता है ना? ताकत है ना इतनी? तो फिर क्यों हम तरी सिर्फ बिचारे का काम करें? क्यों हम सिर्फ रमजान में बुलाए, खजूर खिलाए, फिर वो टोपी पिरा के चले जाए हमेशा? अब नहीं, अब बराबर की बात होगी, बराबर की लड़ाई होगी, हिस्सेदारी की। हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा चाहिए, हमारा भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारे भी बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छी तालीम मिलना चाहिए हमारे। अब यह सरकारी के बराबरी की लड़ाई, बराबरी की चाहिए, मगर ये जन अकेले नहीं लड़ सकते साहब। एक भाई शख्स हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद से आपके बीच में आता है, उनके भी आपके मेरी तरह फैमिली है, बीवी बच्चे सब कुछ है। अल्लाह सुब्हान तआला ने जितनी इज्जत देश के वजीर आजम को नहीं दी, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद कमिश्नर सदुद्दीन ओवैसी साहब को दी। इज्जत की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दौलत की कमी नहीं, हॉस्पिटल से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, मेडिकल कॉलेज है, तीन टर्म एमएलए रह चुके हैं, तीन टर्म एमपी बन चुके हैं। अगर इतना काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में, कि अगर घर में भी बैठ जाए और चुनाव आ जाए तो सामने वाले की डिपॉजिट खत्म हो जाती है, ऐसा काम किया था। फिर भी इतने दूर से क्यों आपके बीच है? आज मंडे को यह है उपमोला में, कल बाराबंकी में, उसके पहले जौनपुर में, अलीगढ़ में, फरीदाबाद, हर जगह जा रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? सिर्फ आपके लिए यार, एक जरूर, एक जज्बा, एक जोश है कि नहीं, कौन कोई तहीद करना है, एक करना है, लीडरशिप पैदा करनी है, ना उसको चीफ मिनिस्टर बनाए, ना प्राइम मिनिस्टर बनाए, सिर्फ आपके लिए आपके पास आते हैं, आपकी तरक्की हो, आप आगे बढ़े, इसके लिए आपके बीच में आते हैं। याद रखो इस बात, और हम तो ईमान वाले हैं ना सर, कोई हमको एक ग्लास पानी दिया सिद्दीकी जी, तो एक शख्स अगर आपके आपके बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए आपके बीच आया है, तो क्या आप उनका साथ नहीं देंगे? ना साथ फिर इसके साथ दिन ओवैसी साहब का जिताएंगे ना मुजलिस ए त्याग उल मुस्लिमीन को? कहना चाहिए आपके मुजलिस का जीतना, असद साहब ताकत को मजबूत करना, ये दवाई है कि हम अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, हमारी कयादत को मजबूत करेंगे, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर।
हम में से भी लोग जाना चाहिए जीत के विधानसभा में, बुलंद करना चाहिए हमारे भी गांव की आवाज, बुलंद की आवाज, जिसको जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जो थी, ये तथाकथित सेक्युलर पार्टी ने 70 वर्ष से हमारा वोट लिया, इकतदार की कुर्सी पे आके बैठ गए। बताइए मुसलमानों के लिए क्या क्या है। सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था ना कि हम अगर इकतदार में आए तो 18% वोट देंगे मुसलमानों को जॉब और एजुकेशन में, दिया नहीं। इसलिए कह रहा हूं इनकी झूठे वादों पे, झूठी बातों पे न जाओ। तब तक हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, हमारे पास कांग्रेस था, सपा थी, बीएसपी था, हम उनको वोट देते आ गए, वोट हमारा गया, इकतदार पे वोट बैठ गया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे पास तो दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं। आज हमारे पास एक अपनी खुद की जमात है, अपनी खुद की पार्टी है, जिसका नाम है बजरी से त्याग और जिसके सदर का नाम है ओएसपी। हर वक्त आपके लिए हरे दादरी पे बोले ओवैसी, बाबरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, सीट वाले एनआरसी पे बोले ओवैसी, मजलूमों की और दलितों की आवाज से गूंजिया ओवैसी, पार्लियामेंट में बिल फाड़े ओवैसी, आपके हक के लिए लड़े ओवैसी, वो फिर क्या आपके वोट का हकदार ओवैसी है या नहीं है? है क्या नहीं आपके वोट का हकदार? तो फिर आज कुल्ला से ऐसी आवाज गूंज के भेज दो दिल्ली और मुख्तलिफ शहरों पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज गूंज दो कि आप हम साथ देंगे तो अगली से इतिहादी हिल का साथ देंगे। जिताओ अपने ऐसे अपने प्रत्याशियों को। और आपके पास तो है डॉक्टर मनान साहब, एक पढ़े लिखे आदमी, एजुकेटेड डॉक्टर है, आपके बीच रहे इतने बरसों से, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना दोस्त के रूप में आपके साथ रहे, आपका काम किया, आगे भी काम करें, सीधा जिता के भेजो विधानसभा, बढ़ाओ अपनी आवाज का पावर, दिखाओ सबको। वक्त आया है, एक होना पड़ेगा, मुतहिद हो जाओ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गो, इतिहास पैदा करो, एक होकर ये बीजेपी ने भी सबको हरा, बीजेपी को हराएंगे ना, सपा को हराएंगे ना, कांग्रेस एसपी को हराएंगे ना, बीएसपी को हराएंगे ना, और जिताएंगे ना मोदी से त्याग मुस्लिम के प्रत्याशियों को जिताएंगे ना। अरे जोर से चिल्ला आवाज वहां तक भेज रहे, बाबा को भी सुनना पड़ जाए, बाबा के कान तक जाना चाहिए, बुआ बबुआ के कान तक जाना चाहिए आवाज, मोटरसाइकिल पे उनको भी आवाज पहुंचना चाहिए, तो जिताएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि अगर ये जोश और जज्बा रहा तो उत्तर प्रदेश में इस मरतबा मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, मुझे पता है वक्त हो गया है, मेरा टिट्टी आ चुकी है, आप जिनको सुनना चाहते हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब आपके सामने राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब सैयद आसिम अकबर साहब खिताब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। टाइम्स पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जमान जनाब वारिस पठान साहब, उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, उतरौला से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जनाब अब्दुल मन्नान साहब, हैदराबाद के पूर्व मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब, और तमाम हमारे मजलिस के कायद कार्यकर्ता, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी माएँ, हमारी बहनें, वारिस भाई ने अभी आप लोगों से एक सवाल पूछा, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक के आप 70 साल तक
तमाम सेकुलर कहने वाली पार्टियों को वोट देकर उनके मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी सीएम और उनके प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बनाते आए। इस बार ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपकी तरफ से ये मांग रखी है कि अगर तुमको हम 7% 12% 5% के वोटों के साथ अपना 20% जोड़कर तुम्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो तुमने आज तक हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। आप लोगों से सवाल है कि आपकी गली गली ये पूछिए कि चार बार समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, चार बार मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं, कांग्रेस वाले भी बन रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि किसी मुसलमान को जिसका 20% वोट उनके वोटों में शामिल है उसको डिप्टी सीएम बनाए। इस बार डिप्टी सीएम की लड़ाई और सीएम की लड़ाई है, लड़ेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी वाले बोलते, बहुजन वाले बोलते, कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी उनके नेता बोलते, ये जो बैठे हैं असद साहब ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट, हम लोग बीजेपी के एजेंट। और योगी जी बोल रहे हैं आजकल मंचों से कि हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले सपा की बसपा की कांग्रेस की बीटी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि चार बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, इस चार बार में वो तीन बार किसके साथ मुख्यमंत्री बनी, किसके साथ बनी मुख्यमंत्री, किस पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मायावती तीन बार मुख्यमंत्री बनी, एजेंट हम लोग। समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह को लिया गया, कल्याण सिंह को ज्वाइन कराया गया, कल्याण सिंह के बेटे को मंत्री बनाया गया, विधायक बनाया गया। वो साक्षी मां आज जिसने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद की शहादत में पहला फावड़ा उसने मारा, वो साक्षी महाराज जिसने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद से जो ईंटें निकली थी उसमें से एक ईंट लेकर मैं घर आया, तौबा नौजुल्ला, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि एक ईंट बाबरी मस्जिद की लाकर बैतुल खला में लगाई, उसको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, उसको भी लिया गया। एजेंट ये बैठे देखिए कितने बढ़िया है, नेता आप लेंगे, बीजेपी के साथ आप हाथ मिलाएंगे, मस्जिद शहीद करने वाले आपके साथ, बीजेपी के साथ सरकार आप बनाएंगे और एजेंट हम लोग। इस बार आपको जवाब देना है, सबको लेंगे, सारे लोगों को लेंगे, मुसलमानों से नफरत है, मुसलमान अगर साथ आएगा और उसको हक देना पड़ेगा और कुर्सी में बिठाना पड़ेगा तो नहीं बिठाएंगे, बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। लेकिन जिस सुनील सिंह ने हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रहते हुए एक मंच पर यह बात बोली कि मुसलमानों की जो औरतें मर चुकी हैं उन्हें कब्रों से निकालकर उनके साथ तौबा नौज़ुबिल्लाह गलत काम करो, उसको भी आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं, वो भी आपका नेता है। और अफसोस इस बात का है कि यहाँ के समाजवादी पार्टी भी उसको नेता मान रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता है आपके विधायक भी उसके भी नेता सुनील सिंह, शाहिद मंजूर साहब के भी नेता सुनील सिंह, सब जितने मुसलमानों के नेता समाजवादी पार्टी में है वो एक ही सवाल नहीं उठाने पर आती है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मुसलमानों में क्या दिक्कत है। नमाज गुरुग्राम में अगर पढ़ी जाएगी, मुसलमान इधर से उधर से आकर वहां नौकरी करते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, जमात बनाते हैं जुमे की, तो वहां पर परमिशन लेके वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक झुंड बनाकर एक पूरा जत्था बीजेपी के सपोर्ट से खड़ा होकर जाकर उनको नमाज पढ़ने से रोकता है, जबकि उनके पास पुलिस की परमिशन है, वो पुलिस के दस्तावेज के साथ वहां नमाज पढ़ रहे थे, जाके वहां गोबर के कंडे लगा दिए गए। अगर नमाज नहीं पढ़ने दोगे और कह रहे हो कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे सरकारी जमीन पर, तो खाली मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि गोबर के कंडे डालने की परमिशन कहां से आई? गोबर फैलाओगे,
सरकारी जमीन पर नमाज नहीं पढ़ने दोगे। हमारी जितनी मस्जिदें हरियाणा में वक्फ बोर्ड के पास है उसको वापस किया जाए, आपके मन से मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं। मैं बहुत वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, चुनाव में जनाब डॉक्टर मन्नान साहब आपके प्रत्याशी हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई आपकी लड़ाई है, हक की लड़ाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी विधायक आप जिता के भेजेंगे वो आपकी आवाज बनेंगे और इंशाल्लाह बहुत मजबूती से सरकार में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना सरकार नहीं बनने जा रही है, ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। बच्चे लड़ो नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप सबको ये यकीन दिलाती है कि इस बार आपका वोट आपके हक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें जो कुर्सियां होंगी उन पर अब की से आपका डिप्टी सीएम भी बैठेगा इंशाल्लाह, लेकिन बिठाना आपको है इंशाल्लाह। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वक्त नहीं है, आप लोगों से इस वादे के साथ मैं विदाई चाहता हूं कि इस बार डॉक्टर मन्नान साहब को वोट देकर जिताएंगे, इतनी कमजोर नहीं, जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष औरंगाबाद